आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परफ्यूम को टॉयलेट का पानी क्यों कहा जाता है। देखिए, आपने बहुत सारे परफ्यूम पर जरूर देखा होगा कि वहाँ पर और द टॉयलेट ऐसा लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि टॉयलेट का पानी। क्या परफ्यूम में टॉयलेट का पानी इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टॉयलेट का मतलब शौचालय तो होता ही है और टॉयलेट का मतलब अलग भी होता है। देखिए, हम जो स्नान करते हैं, हम खुद की जो सफाई करते हैं, साथ ही हम ग्रूमिंग करते हैं यानी कि शेविंग वगैरह जो करते हैं, तो उसको भी टॉयलेट कहा जाता है। और इन सभी क्रियाओं में जो सुगंधित वाटर यानी कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसको एरोमेटिक वाटर या ग्रूमिंग वाटर या टॉयलेट का पानी कहा जाता है, यानी कि उसको और द टॉयलेट कहा जाता है। ये फ्रेंच वर्ड है। साथ ही देखिए, टॉयलेट यह शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। यहाँ पर आप फ्रेंच शब्द है उसका स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हो, तो उसका मतलब होता है कि वस्त्र का यानी कि कपड़े का छोटा सा टुकड़ा। तो यह टॉयलेट शब्द जो है वो कपड़ों से भी संबंधित है। तो ऐसा सुगंधित पानी जो कपड़ों पर या स्किन पर लगाया जाता है, उसको टॉयलेट का पानी कहा जाता है। तो आपको पता चला होगा कि परफ्यूम को टॉयलेट का पानी यानी कि और द टॉयलेट क्यों कहा जाता है। एक ऐसा परफ्यूम होता है जो इन सभी क्रियाओं में यानी कि हम जो स्नान करते हैं, खुद की सफाई करते हैं, शेविंग वगैरह करते हैं, बालों की ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, साथ ही हम जो कपड़ों पर जो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, उसको और द टॉयलेट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेज वीडियो के लिए रोज़ आने कराता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।